शहर के बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए हर पालक ने अपने छोटे बच्चों को जरूर पोलियो ड्रॉप पिलाए, ऐसी जानकारी एक प्रोग्राम के दौरान शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी इन्होंने दी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भारत की आबादी 130 करोड़ के आसपास है। देश के बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे तथा कोई भी विकलांग न बने, इस बात को लेकर पोलियो ड्रॉप छोटे बच्चों को दिया जाता है। पोलियो ड्रॉप अभिभावकों ने अपने बच्चों को देना चाहिए, इसलिए सरकार द्वारा अमिताभ बच्चन जैसे कई सेलिब्रिटी के माध्यम से जन जागृति कर रहे हैं। दो बूंद जिंदगी के जैसे विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। कई बार पालक अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं देते हैं, जिससे छोटे बच्चों का स्वास्थ्य खतरे से घिरा रहता है, इसलिए एनएमसी की ओर से पोलियो ड्रॉप की जन जागृति की जा रही है। सभी छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाए, ऐसी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी है। संपूर्ण देश भर में आज से पोलियो ड्रॉप पिलाने की शुरुआत हुई है। नागपुर महानगर पालिका ने भी अपने सभी सेंटर पर आज सुबह 9 बजे से पोलियो ड्रॉप पिलाने की शुरुआत की है। मैं समस्त नगरवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि महानगर पालिका ने यह जो नियोजन किया है इसका वे सब लोग लाभ लें। बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टि से वो नितांत आवश्यक है। भारतवर्ष पोलियो मुक्त हो चुका है, परंतु पड़ोसी देशों से आने वाली जो आवाजाही है उसके कारण यह बीमारी वापस इस देश में न आ सके, इस दृष्टि से इस संक्रमण को रोकने के लिए इस मुहिम को लगातार भारत सरकार ने शुरू रखा है और उसी के एक भाग के रूप में नागपुर महानगर पालिका यह उपक्रम चला रही है। मैं पुनः समस्त नगरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घर के छोटे बच्चों को तुरंत नागपुर महानगर पालिका के पोलियो सेंटर ले जाकर पोलियो की सुविधा का लाभ लें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, BC News नागपुर।